राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर में 3 दिनों तक चलने वाले बाल विज्ञान सम्मेलन के दूसरे दिन जिला भर के स्कूलों से आई टीमों ने क्विज प्रतियोगिता में 50 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 2 राउंड छात्रों की किताबों से जुड़े सवालों से, 2 राउंड प्रैक्टिकल, 1 राउंड फायर व 1 राउंड वैज्ञानिकों की जीवनी को लेकर भी सवाल पूछे गए। ऐसे में कुछ 6 राउंड की प्रतियोगिता में 29 को फाइनल परिणाम निकाला जाएगा, जिसमें से 5 टीमों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। 3 दिवसीय चलने वाले इस विज्ञान सम्मेलन की थीम विज्ञान एक साफ, हरे भरे व हष्ट पुष्ट राष्ट्र के निर्माण में भूमिका में विद्यार्थियों के सहयोग व योगदान को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में डाइट की मदद से इस बाल विज्ञान सम्मेलन में खास छात्रों के लिए भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमीरपुर जिला में ये पहली बार हुआ है जब स्पेशल छात्रों के लिए विज्ञान सम्मेलन में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन छात्रों के लिए राज्य स्तर पर कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है, लेकिन हमीरपुर में इन छात्रों के प्रोत्साहन के लिए यह एक पहला कदम है। ऐसे में जिला के 15 स्पेशल छात्रों के लिए भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसे में मॉडल में 2 क्विज, एक्टिविशन में 2 छात्रों को पुरस्कार भी दिए गए। जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का दूसरा दिन है। इसमें हमारी 5 एक्टिविटीज, जिनमें फिजिक्स कॉर्नर में हम फिजिक्स से जुड़ी जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, छोटे छोटे फिजिक्स के सिद्धांत, उनको प्रैक्टिकल शेप में बच्चों को बता रहे हैं। और उनको जो दूसरे हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए और उनके पीछे उन्होंने किस घटना को देखकर उस नतीजे तक पहुंची, इसके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। जहां तक एक हमारा इस बार ओरिगेमी जो एक कॉर्नर चलाया गया है, इसमें मैथमेटिक्स को पेपर फोल्डिंग के द्वारा हम कैसे इसको सर रूप से समझा सकते हैं, उसकी कोशिश की जा रही है इस कॉर्नर में कि बच्चे कागज के पेपर्स को फोल्ड करके भिन्न भिन्न आकृतियां बनाकर उनका क्षेत्रफल, उनका वॉल्यूम या दूसरी चीजों के बारे में जानें और ओरिगामी का क्या महत्व है, मैथमेटिक्स के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में उनको विशेष जानकारी दी जा रही है। कहीं दूसरी ओर जो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट चली हुई है, उसमें बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया अपनी रिपोर्ट जो है, भिन्न भिन्न जो उनकी समस्याएं थी, खासकर लोकपुर एरिया की, खासकर कई एक रिपोर्ट में जो पशुओं का द्वारा जो आतंक मचाया जा रहा है जिला हमीरपुर में, जो ऐसे पशु जिनको लोगों ने छोड़ दिया है, उनका उनके ऊपर बहुत बढ़िया एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। बनाया है वो सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर है, जिसमें जो भी गंदा पानी हो, सॉइल यूज जो भी है, इंडस्ट्री वेस्ट है, वो साफ होता है पानी। तो उसमें 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है प्राइमरी सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसमें पानी साफ होता हुआ सीवेज में जो भी गंदा पानी है वो साफ होता है। सेकंड जो प्रोसेस वो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट है,